नमस्कार दोस्तों, रैम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभी अभी जो भी सीटें जारी हुई हैं जनपद बार उत्तर भर्ती में, उसमें अभ्यर्थियों को एक बहुत बड़ी समस्या ये रहती है कि किस तरीके से उनको जनपद अलॉट होता है, मतलब सीटें जनपद में अलॉट होती हैं। तो आइए इसे हम जानते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। सबसे पहले तो मैं इटावा की उदाहरण ले लेता हूँ। अगर आप जान पा रहे होंगे तो ये जो ज़िला है इटावा, इसमें करीब करीब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 590 सीटें हैं, ये देखिए। और मैंने अभी अभी आपको बताया था कि इटावा, औरैया, आपका फर्रुखाबाद, ये आपका आसपास के ज़िले हैं, कन्नौज। अगर आपको इटावा गृह जनपद के आसपास ही रहना है तो काफ़ी बढ़िया आसपास के ज़िलों में सीटें हैं। और आपको मैंने ये भी बताया था कि अगर आप इसे देखना चाहेंगे मैनपुरी, तो मैनपुरी और आगरा, इवन मैनपुरी आपको आसानी से मिल सकता है। मैनपुरी में 940 सीटें हैं। तो ये बात की तो बहुत कम टेंशन अब रह गई इटावा के अभ्यर्थियों को कि वो अभ्यर्थी कहीं बाहर ज़िले में जाएंगे। हाँ, उस कंडीशन में जा सकते हैं। किस कंडीशन में जा सकते हैं, आइए इस चीज़ को आप समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से गाइज। तो ये देखिए, ये इटावा की लगभग 590 सीटें हैं। आपको आसानी से समझ में आए इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ कि जो आपकी ये सीटें हैं इनको मैं आपका लगभग 600 के आसपास मान लेता हूँ। तो 600 के आसपास के हिसाब से अगर देखोगे तो 50% सीटें जनरल की हो गई, तो मतलब कितनी हो गई, 300 हो गई। ओबीसी लगभग 27% आरक्षण होता है, यहाँ पे भी सीटों पर भी आरक्षण होता है, तो हिसाब से 162 सीटें हो गई। और बाकी जो सीटें होती हैं वो एस सी एस टी टी सी 135 के आसपास वो हो गई। अब क्या होता है कि जो भी आपका, जिसने भी इटावा ज़िला फर्स्ट भरा होगा और हाई मेरिट, मतलब टॉप में जो जिसने सबसे पहले इटावा भरा हो, जिसकी सबसे हाई मेरिट है, तो उसके हिसाब से 1, 2, 3 इस तरीके से हाई से लोअर 300 जनरल की सीटें भर जाएंगी। अब मान लीजिए कि ओबीसी का एक ऐसा कैंडिडेट है जिसकी मेरिट हाई है और वह जनरल में चला गया, तो अभी खैर विज्ञप्ति का और विस्तार से आना बाकी है, जिसमें हो सकता है चयन के बारे में बताएं कि किस तरीके से चयन होगा। तो मान लीजिए कि ओबीसी का कैंडिडेट है और मान के चलते हैं कि 70 गुणांक तक आपका जनरल भर गया, और ओबीसी एक और ऐसा बंदा है जिसकी गुणांक 70 है, तो अब वो 70 जो है जनरल के हिसाब से बाहर अलग चला जाएगा इस इटावा ज़िले से। अब यहाँ क्या होगा, तो वो जितने हैं वो सारे भर जाएंगे, फिर इसके बाद फिलिंग चालू होगी ओबीसी की सीटों की। तो यहाँ इटावा ज़िले में 162 सीटें हैं, तो लगभग पिछली बार तो यही हुआ था, बाकी इस बार क्या होगा वो देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि चूँकि मैटर कोर्ट में गया था तो इस बार ये शायद प्रोसेस बदल भी जाए। तो अब इन 162 सीटें जो है ओबीसी के मिलेंगी। अगर मैं डेटा की बात करूं तो लगभग 250 से 300 लड़कर रैम अकेडमी का पास आउट होगा। अब इनमें से कितना लोगों का चयन होता है ये अभी जल्द ही पता चल जाएगा। तो हिसाब से देखें तो लगभग 600 सीटें हैं ऑलमोस्ट पूरे इटावा के हिसाब से देखें, तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को इटावा ज़िला मिल ही जाएगा। बाकी इस तरीके से ही जनपद में रहें कि आप अगर गृह जनपद चाहते हो तो आप अपने हिसाब से रहें, और बाकी जो एस सी एस टी कैंडिडेट हैं इस तरीके से उनको भी जिन सीटों का आवंटन हुआ था। तो एक बात मैं आपको नहीं समझ में आई तो फिर से बता देता हूँ कि जो भी ज़िले में सीटें होती हैं उनका 50% जनरल होता है ओबीसी, आपको भी मालूम 27%, बाकी एस सी एस टी कैंडिडेट 22% के आसपास रहते हैं। तो इस हिसाब से पहले जनरल की 300 सीटें भरी जाएंगी, उसके बाद आपके ओबीसी की सीटें भरी जाएंगी, और उसके बाद एस सी एस टी की। अगर इसके बाद आप मान लीजिए इटावा ज़िला नहीं मिल पाता है तो फिर दूसरा ज़िला मिलता है। तो मुझे लगता है कि जो हाई मेरिट है इटावा ज़िले के हिसाब से 70 के ऊपर जिनका भी होगा उनको आराम से जो है इटावा ज़िला मिल सकता है, बशर्ते कि जनरल वालों का, पर्टिकुलर जो जनरल 70 के कैंडिडेट होंगे उनका मुश्किल हो जाएगा कहना, क्योंकि ओबीसी की मान लीजिए सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी 72 के आसपास गुणांक है, तो वो पहले जनरल को कवर कर लेंगे ओवरलैपिंग की वजह से, और सारी जनरल में सीटें वो चली जाएंगी, और फिर ओबीसी वालों पर तो ओबीसी वालों का कब्जा रहेगा ही। तो इस तरीके से सारी कहानी है। एस सी एस टी के लिए भी यही सारी चीज़ें लागू आती हैं, जो हाई एस सी एस टी के हायर गुणांक होंगे सपोज 72 के आसपास वाले, वो भी जनरल, तो 70 के आसपास जिनका भी गुणांक होगा अगर ओबीसी और एस सी एस टी के हैं तो बिल्कुल आपको 100% इटावा मिल सकता है। बस जनरल के जो भी कैंडिडेट हैं उनका, जिनका 70 के आसपास नहीं है या उसके नीचे है, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है मिलने में। बाकी देखिए कि इटावा ज़िले के अलावा भी कोई और भी भर सकता है आपका ज़िला, क्योंकि गाज़ियाबाद में 0 है और उस उधर के आस हापुड़ में भी कम है, लखनऊ में कम है, तो उधर के आसपास के लोग जो हैं वो उस ज़िले को चुनना चाहेंगे जहां उनके रिश्तेदार रहते हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन कौन इटावा भरता है, उस हिसाब से
तो आई होप कि आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। बाकी आप जो भी और चाहते हो कमेंट में कमेंट बॉक्स करके बताएं। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरीके से जुड़े रहें रैम अकेडमी के यूट्यूब चैनल से।